हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इन्वायरमेंट। अब मैं अपने प्रीवियस वीडियो में दो कंपोनेंट बताई थी, इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। तो आज हम इस वीडियो में माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, इफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब क्या करता है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। नॉट अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। आप अगर चाहोगे, मतलब बिजनेस कोई ऐसा चाहेगा कि पूरी तरीके से इस पर कंट्रोल कर सके माइक्रो इन्वायरमेंट पे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, द बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इन्वायरमेंट। हर बिजनेस पे इसका, इस इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। तो आइए, इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, हम ये देख लेते हैं। देखिए, माइक्रो इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कस्टमर, पब्लिक, कॉम्पिटिटर, कंपनी, सप्लायर, इंटरमीडिएट्स। तो आइए इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हर एक टॉपिक को। पहला देखिए आपका है कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड फंक्शनल मैनेजर। कंपनी में क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। डिसीजन लाइक न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेंशन। कंपनी में क्या किया जाता है, अगर कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या किसी भी तरीके का एक्सपेंशन करना है, तो आप उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग ऑपरेशन एंड अकाउंटिंग। मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ अगर किसी भी तरीके का फाइनेंस चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट करना है, परचेज करना है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना है, अकाउंटिंग करना है, तो सारे डिसीजन वहाँ कंपनी में लिए जाते हैं। थिंक कंज्यूमर, यहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो आया है आपका कस्टमर, एक्चुअल बायर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कस्टमर क्या होते हैं, जो भी कंपनी गुड और सर्विसेज बनाती है वो इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका परचेज रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। देखिए ये क्या होता है, परचेज रिक्वायरमेंट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मैं कुछ और चीज़ खरीदना चाहती हूँ और दूसरा कस्टमर कुछ और चीज़ खरीदना चाहता है, तो ये जो कस्टमर से कस्टमर क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। मतलब जो एक कस्टमर होता है वो उस पर हर तरीके का इफेक्ट पड़ता है, कल्चरल हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो। दे आर लार्ज इन नंबर, जो कस्टमर होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं। नेक्स्ट जो आपका था टॉपिक वो था आपका सप्लायर। सप्लायर देखिए क्या है, प्रोवाइड रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। वो क्या करता है, रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, मतलब किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी फर्म को प्रोवाइड करेगा ताकि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो सके। इम्पॉर्टेंट लिंक इन द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। मतलब एक गुड बनने से लेके गुड डिलीवर होने तक में सप्लायर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। मोस्ट मार्केटर ट्रीट सप्लायर्स लाइक पार्टनर्स। देखिए, जो भी बहुत ज़्यादा मार्केटर्स होते हैं, मतलब जो भी कंपनियाँ होती हैं, वो सप्लायर को क्या, अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करती हैं। मार्केटर मस्ट वॉच सप्लाई अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस। जो मार्केटर्स होते हैं, जो मार्केट में वर्क करते हैं, वो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखते रहते हैं कि जो सप्लाई है वो कितना है और उसका प्राइस कितना है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, टाइम प्लस प्राइस प्लस क्वालिटी मिलके आपका राइट प्रोडक्ट बनता है। आप सही टाइम पे उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो, सही प्राइस पे कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी में कर रहे हो। जब आप इन तीनों को एक साथ मिलाओगे तो आपका एक जाके सही प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेसिकली सप्लायर के बारे में था। नेक्स्ट आपका है कंपटीशन। तो आइए हम कंपटीटर के बारे में देख लेते हैं। अ कंपनी मस्ट सेटिस्फाई नीड एंड वॉन्ट्स ऑफ कंज्यूमर बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, एक जो कंपनी होता है वो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है उसके नीड ऑन वॉट को, बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, हर कंपनी जो चाहती है वो ये चाहती है कि वो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके उसके कॉम्पिटिटर से। कंपनी शुड मॉनिटर थ्री वेरिएबल व्हेन एनालाइजिंग ईच ऑफ इफ कॉम्पिटिटर। जो कंपनी होती है वो कॉम्पिटिटर्स को अगर एनालाइज करती है तो तीन चीज़ें निकल के आती है, शेयर ऑफ मार्केट, शेयर ऑफ माइंड और शेयर ऑफ हार्ट। मतलब मार्केट का शेयर करना पड़ता है, माइंड का शेयर करना पड़ता है और हार्ट का शेयर करना पड़ता है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करके अपने बिजनेस को अच्छा बनाना है तो। देखिए नेक्स्ट जो आपका था वो आपका पॉइंट था मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। पहला होता है रीसेलर, दे आर दोज हु होल्ड एंड सेल कंपनीज प्रोडक्ट होलसेल एंड रिटेलर। देखिए रीसेलर क्या होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी से तो माल उठा लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं और फिर उसको बेचते रहते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं। होलसेलर क्या होता है, जो कि बल्क में सामान को खरीदता और बेचता है। रिटेलर जो होता है, जो थोड़ी क्वांटिटी में खरीदता और बेचता है सामान को।
फिर नेक्स्ट आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म, दे हेल्प द कंपनी टू स्टॉक एंड मूव गुड फ्रॉम देयर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन टू देयर डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग। जैसे देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अब गुड बन के तो तैयार हो गया, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लोग को क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए होता है, जिसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या वेयर हाउसिंग चाहिए। वेयर हाउसिंग में अपना सामान रख सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हम अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज, दे हेल्प ऑफ द कंपनी टारगेट एंड प्रमोट्स इट प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मीडिया एजेंसी, मार्केटिंग रिसर्च फर्म। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी लॉन्च की है नया प्रोडक्ट, तो उसके बारे में कस्टमर को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराती है। हर तरीके से करा सकती है, या तो न्यूज़पेपर में, या तो टीवी पे, या तो मतलब रेडियो में करा सकती है। किसी भी तरीके से वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट का कराती है, ताकि क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दे हेल्प फाइनेंस ट्रांजेक्शन एंड इंश्योर अगेंस्ट रिस्क, बैंक, क्रेडिट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि बैंक, क्रेडिट कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी, जो कि कंपनी को फाइनेंस देती है, मतलब पैसा देती है उधार पे, और फिर जब उनका काम हो जाता है तो वो कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को बैंक को या क्रेडिट कंपनी को या इंश्योरेंस कंपनी को वापस करा देती है। फर्म दैट हेल्प द कंपनी टू प्रमोट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड्स टू फाइनल बायर्स। फर्म क्या होता है, कंपनी को मदद करता है उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसके गुड्स को फाइनल बायर्स तक, मतलब जो खरीद रहा है उस तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पब्लिक, एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, अ कंपनी शुड प्रिपेयर अ मार्केटिंग प्लान फॉर ऑल ऑफ देयर मेजर पब्लिक। जैसे देखिए जो भी क्या बोल रहा है कि कंपनी को ऐसा वर्क करना चाहिए, ऐसी सारी मार्केटिंग प्लान करके रखना चाहिए उसके अपने पब्लिक के लिए। देखिए अब पब्लिक ग्रुप कैसे कैसे हो सकते हैं ये आप देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें मीडिया हो सकता है, लोकल हो सकता है, वहाँ का सिटीजन हो सकता है, जनरल मतलब आम जनता हो सकती है, इंटरनल, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल, मतलब ये सारे लोग होते हैं इसमें से, ये सारे को ही हम लोग क्या मानते हैं, पब्लिक मानते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जो कंपनी होती है उनको इन सब के हिसाब से एक मार्केट प्लान तैयार करके रखना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।